पर ज्यादातर 300-350 ही आते हैं। तो इतने व्यूज में मेरे को एक महीने में कितनी इनकम देता है यूट्यूब, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इसी के साथ आज का वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट। आज मैंने किया फुल बॉडी वर्कआउट, अब चलते हैं घर। और ये खड़ी अपनी HF डिलक्स। तो अब टाइम शाम के 5 बज चुके हैं और अब चलते हैं बाहर। और इस वाली वीडियो में मैं आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। और बाल देख लो कैसे लग रहे हैं, आज कटवाए हैं मैंने। तो अब निकल चुका हूँ मैं घर से और निकलते ही देखो समुद्र आ गया। आज बारिश हुई थी ना, ज्यादा देर तक तो नहीं हुई थी, 20-30 मिनट हुई होगी बस, और उसी की वजह से कितना ज्यादा पानी भर गया यार, यहाँ भी भर रखा है। वो तो सही है अपने पास स्कूटी है, अभी लोग हैं वरना भगाते हुए ले जाता। सही है टायर धुल गए स्कूटी के, टायरों में मिट्टी मिट्टी हो रही थी। और टायरों से याद आया, अभी ना मेरी स्कूटी के आगे वाले टायर में बहुत कम हवा हो रखी थी, इसी की वजह से 2-3 दिन से स्कूटी टाइट टाइट चल रही थी। मैं बोल रहा था ना नॉर्मल तेल की वजह से टाइट चल रही है, एक तो नॉर्मल तेल है ऊपर से हवा भी बहुत कम थी, 20 से भी कम थी, 15 के आसपास थी। तो अब मैंने दोबारा से 30-35 कर दिया। और अभी मैं कुछ इस तरह की गली में हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, पैदल लोगों की भी भीड़ हो रही है और गाड़ियों की भी भीड़ हो रही है। ये दिल्ली में एक छोटा सा गांव है, दुर्गा विहार नाम है इसका। तो मैं भी दिल्ली के एक छोटे से गांव में रहता हूँ, छोटा सा तो नहीं वैसे बड़ा सा गाँव है। तो ये सारा एरिया ना गाँव में आता है, अब मैं थोड़ा आगे जाऊँगा तो शहर आ जाएगा, अभी दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। ये देखो गाँव में गोल्डन कलर की ओला, देख रहे हो हमारे गाँव में गोल्डन ओला भी घूमती है, इसलिए बोल रहा था बड़ा सा गांव है ये, छोटा गांव नहीं है। यहाँ पे सोने की स्कूटियां लेके घूमते हैं लोग। और अब मेरे सामने आ चुकी है MG ट्रैक्टर, इंटरनेट इनसाइड, बाकी तो नॉर्मल गाड़ियां चलती है। और क्या दिखाऊं आपको अपने गांव की चीज, दिखाने को तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं, पर अगर मैंने सारी चीजें दिखा दी तो कहीं यूट्यूब मेरा चैनल ना बंद कर दे। ये देखो हमारे गाँव में ऐसे पाइप भी आ जाते हैं नीचे, फिर इनसे झुक के चलना पड़ता है। और अब यहाँ से हमारे गाँव के बॉर्डर खत्म होते हैं और शहर शुरू हो जाता है। अब हम सिटी में एंटर कर चुके हैं, तो सिटी में एंटर करते ही बहुत सारे पेड़ आ चुके हैं और रोड पे पेड़ गिर भी रखा है। ये देखो क्या खुशबू आ रही है यहाँ पेड़ों की, ऐसा लग रहा है मैं पहाड़ों में आ गया। यहाँ पे भगा देते हैं स्कूटी, कोई नहीं है आसपास। अरे यार ये कार वाला क्या करना चाह रहा है। और घर पे मैंने बोला था ना आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ वीडियो में, तो वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बहुत सारे लोगों के ना क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया आपके इतने व्यूज आते हैं, मतलब कमी आते हैं, तो इतने में आपको कितने पैसे मिल जाते हैं यूट्यूब से एक महीने में, क्योंकि जितने मेरे व्यूज आते हैं ना उतने कोई भी ला सकता है, इतने ज्यादा नहीं आते, नॉर्मली आते हैं 300-400-350, एवरेज व्यूज 300 के आसपास ही है, कभी कभी 400-500-600 भी आ जाते हैं, पर ज्यादातर 300-350 ही आते हैं। तो इतने व्यूज में मेरे को एक महीने में कितनी इनकम देता है यूट्यूब, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और बारिश होते यार क्या तगड़ा हो गया है मौसम, मजा आ जाता है यार इस वाले रोड पे स्कूटी चला के। तो सबसे पहले जाना है मुझे ATM, पैसे डिपॉजिट करने हैं, ATM से ही डाल देता हूँ मैं बैंक में, पर ATM में कभी कभी डलते नहीं है, और वैसे भी डलवा सकते हैं फोन की दुकान से, पर वो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं बहुत ज्यादा। और इसी के साथ बंद है आज भी बैंक, बंद हो गया क्या बैंक हमेशा के लिए? मेरे को अपने फोन के लिए कवर भी लेना है, नेहरू प्लेस चले क्या? नेहरू प्लेस चलते हैं। तो अब मेरी स्कूटी निकल चुकी है नेहरू प्लेस जाने के लिए और उसके साथ साथ मैं भी जा रहा हूँ। तो देखो ये वाला फोन है जिसका कवर लेने जा रहा हूँ मैं, इसमें कवर चढ़ रखा था पर टूट गया है। ये आईफोन 7 है मेरा, पुराना आईफोन और मेरा पहला आईफोन, ये मैंने लगभग आज से कम 3.5-4 साल पहले खरीदा था या फिर उससे भी ज्यादा। अभी भी एकदम बढ़िया कंडीशन में है, देख रहे हो, बस एक बार गिर गया था तो स्क्रीन थोड़ी खराब हो रही है, पर वैसे चलता है एकदम मस्त। और बाकी ये दूसरा फोन है इसमें तो चढ़ा है कवर व्हाइट कलर का, कितना ज्यादा चमकता है ये, इसीलिए मैं अब जो कवर लूंगा वो व्हाइट नहीं लूंगा, काला ही लूंगा, क्योंकि मैं जिम में वीडियो बनाता हूँ ना ऐसे साइड साइड में रख के, व्हाइट होगा तो अलग से चमकेगा, लोगों को दिख जाएगा, ब्लैक में इतना दिखता नहीं है फोन। जो G20 के लिए गमले नहीं लगा रखे उनके पत्तों को वो खा रही है गाय, अभी तक हटाए नहीं यार गमले, G20 तो खत्म भी हो गया कब का। और अब रेड लाइट का वो आ गया है जैम, ये कौन सी गाड़ी आ गई, BMW X3। तो ट्रैफिक वाला जैम खा के निकल चुका हूँ मैं, अब आने ही वाला है नेहरू प्लेस। अब सही चल रही है यार स्कूटी, मेरे ख्याल से हवा की दिक्कत थी,
पेट्रोल ठीक है। G20 के बोर्ड तो यार अभी तक भी लग रखे हैं जगह जगह। और आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा मेरी स्कूटी में क्रूज कंट्रोल लग रखा है, पर बहुत दिन हो गए यूज़ नहीं किया मैंने। जिस दिन लगाया था उसी दिन यूज़ किया था बस, तब से आज तक यूज़ ही नहीं किया। करेंगे यूज़ किसी ना किसी दिन। तो टाइम पास करते करते पहुँच चुका हूँ मैं नेहरू प्लेस। यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं अपनी। अरे चलना टेम्पू। तो अब चलते हैं फटाफट, कवर लेके आते हैं अपने लिए बढ़िया सा। तो चलते हैं अब अंदर, वो खड़ी अपनी स्कूटी। iPhone 7 का कवर होगा इस टाइप में, सिलिकॉन प्रिंटेड सिलिकॉन। तो कवर चढ़ा लिया है, अब चलते हैं घर। तो अब आपको कवर दिखा देता हूँ, देखो ऐसा है। नॉर्मली ये ब्लैक पर मस्त है, इसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसके अंदर ना वो लग रखा है कपड़ा, देखो दिखाऊं। देखो जैसे नॉर्मल कवर होते हैं ना, उनके यहाँ कुछ नहीं होता, ऐसे प्लास्टिक होता है, इसके अंदर वो लग रखा है वेलवेट, जिसकी वजह से पीछे से स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। क्वालिटी अच्छी है इस वाले की, पहले भी मेरे पे ब्लैक था पर उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं थी। और ये कवर मेरे को पड़ा है 150 रुपये का, जो इससे पहले लगा था वो भी 150 का ही पड़ा था, पर उसकी और इसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो भी सेम ही था, बस उसके अंदर ऐसे कपड़ा नहीं था और जो उसका प्लास्टिक था वो भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। 200 बोल रहे थे अंकल, मैंने कहा 150, तो उन्होंने कहा ठीक है दे दो, और कम कराने चाहिए थे क्या। चलो छोड़ो, अब निकलते हैं फटाफट घर। घर घर खेलते हैं अब। घर घर खेलने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, YouTube इनकम वाले टॉपिक पे। तो अगर आपके पूरे महीने ऐसे व्यूज़ आते हैं 350-400 के आसपास, तो ऐसे व्यूज़ में YouTube आपको देगा कम से कम $21 से $25 के बीच में। वो हर चैनल का अलग अलग हो सकता है। और ऐसा भी होता है जैसे 2 मंथ सेम व्यूज़ आए हैं पर दोनों मंथ अलग अलग इनकम आती है, मतलब थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। जैसे किसी महीने $23 आ जाती है, किसी महीने $24, और कभी कभी ना ऐसा मंथ आता है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो उस वाले महीने में आपकी इनकम $29, $28, $30 तक भी पहुंच जाती है। नहीं तो वैसे ज़्यादातर $20 से $25 के बीच में रहती है, अगर आपके पूरे महीने ऐसे व्यूज़ आते हैं और आप डेली वीडियोज़ डालते हो तो। ये चीज़ भी ध्यान रखना, मैं डेली डालता हूँ वीडियो। अगर मैं 2-3 दिन में या फिर हफ्ते में एक वीडियो डालूंगा और उसमें ऐसे व्यू आएंगे 300-400-500, फिर तो मुश्किल ही कुछ मिलेगा, $4-5 मिल जाएंगे बस महीने के। तो YouTube पे मेरी इतनी इनकम क्वांटिटी की वजह से हो रही है, क्योंकि मैं डेली डाल देता हूँ एक वीडियो, तो YouTube भी सोचता है चल यार दे ही देते हैं इसे थोड़े बहुत पैसे, पेट्रोल का खर्चा तो निकलेगा कम से कम। तो $25 को अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो मेरे ख्याल से 1800-1900-1700 ऐसी आएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि $25 अकाउंट में दे देगा YouTube, $100 जब तक पूरे नहीं होते जब तक नहीं देता अकाउंट में। तो जब भी $100 होंगे तब देगा वो आपके अकाउंट में पैसे। अगर एक महीने में $25 आ रहे हैं तो $100 होने में 4 महीने लगेंगे, तो 4 महीने में आएगी इनकम आपके अकाउंट में अगर ऐसे व्यूज़ आएंगे तो। और अगर ज़्यादा आ गए फिर तो जल्दी भी आ सकती है। तो मेरे पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इससे रिलेटेड कि आपके व्यूज़ के हिसाब से आपके कितने पैसे आते होंगे महीने में, और अगर हमारे इतने व्यूज़ आते हैं तो कितने पैसे आएंगे, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लेना। और जो इनकम है ना उसका सब्सक्राइबर से कोई लेना देना नहीं है, व्यूज़ से लेना देना है। किसी के अगर 1000 भी सब्सक्राइबर हैं और एक महीने वो डेली वीडियोज़ डालता है, सब में 1000 व्यूज़ आएंगे तो उसके ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और वहीं किसी के 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर हैं और वो डेली वीडियोस डालता है, उनमें 200-300 व्यूज़ आ रहे हैं तो कम पैसे मिलेंगे। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, अब रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा। अब आपसे मिलता हूँ कल। जय हिंद।